मध्य प्रदेश सरकार से छिंदवाड़ा जिला के चोरई विधानसभा की ग्राम पंचायत बिंचावाड़ा सरपंच अनिल सनोड़िया ने मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास की मांग पात्र हितग्राही के लिए की है। सरपंच का कहना है कि पात्र हितग्राही जिनको वास्तव में पीएम आवास की जरूरत है वह छूट गए हैं। 2018 के सर्वे में बहुत से पात्र गरीब परिवार छूट गए हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उनका पक्का मकान बनना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीब परिवार सरपंचों से मांग करे हैं। उनका कहना है कि हम पात्र रहने के बाद भी हमारा प्रधानमंत्री आवास में नाम क्यों नहीं आ रहा है। जब ग्राम सभा होती है तो पात्र गरीबों को सरपंच जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं सरपंच होने के नाते सभी सरपंचों की परेशानियां समझता हूँ। अन्य पंचायतों में भी पात्र गरीब परिवार आवास से छूट गए होंगे। बिंचावड़ा सरपंच अनिल सनोड़िया का कहना है कि सर्वे कराकर सरकार पात्र गरीब लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अवश्य देना चाहिए, जिससे सरपंचों की समस्या का भी समाधान होगा और गरीबों को रहने का घर मिल जाएगा और हमारा देश समृद्ध होगा। आगे सरपंच अनिल सनोड़िया ने बिंछावाड़ा में पेयजल की समस्या बताई है। कहा है कि ग्रामीण दूषित जल पी रहे हैं, जांच होना चाहिए और समस्या का निदान होना चाहिए। सरपंच ने स्कूली बच्चों का भी जिक्र किया है कि मेरी पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल है और बच्चे दूर दूर से आते हैं। बरसात के मौसम में बच्चे कीचड़ से आते हैं। पक्की सड़क बनना चाहिए जिससे बच्चों को आने जाने में सुविधा रहे। भाई साहब, ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ आवास प्लस 2018 की सूची में 79 नाम की सूची में, जो कि सूची मेरे पास ये 2018 की ये रखी हुई है, जिसमें 79 नाम इसमें दर्ज हैं सूची में, जो कि 79 सारे के सारे पात्र हितग्राही हैं आवास प्लस में, जिन्हें मकानों की आवश्यकता है। परंतु क्या हुआ, 13 नाम इस आवास प्लस की सूची से, जो वर्तमान की सूची है, इसमें से 13 नाम पोर्टल के द्वारा रिजेक्ट बताए जा रहे हैं, जो इसमें नहीं है, जो कि 13 की 13 सारे के सारे हितग्राही पात्र हैं, जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है और मकान जिन लोगों के कच्चे हैं, और बारिश में तो कुछ लोगों के मकान भी ढह गए, दीवारें गिर गई, जिनके कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना उन परिवारों को करना पड़ रहा है, लेकिन पंचायत चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है, उनके मकान नहीं बन पा रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ, अभी शासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिए गए, जिसमें से हमारी ग्राम पंचायत में मात्र 3 आवास प्लस के नाम आए। अब 3 आवास प्लस के नाम में हम उसमें भी 60-40 का रेशो रखा गया, जिसमें 2 मकान हमने ST/ST को दे दिए और 1 मकान OBC को दे दिए। अब 3 मकान कहना चाहिए ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी बड़ी पंचायत होने के बावजूद यहाँ 3 मकान आते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये सूची कंप्लीट करने में मुझे 5 वर्ष लग जाएंगे जी। सरपंच की बड़ी व्यथा रहती है, सरपंच बनते सब जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं जनता के बीच में, और जब देखते हैं लोगों के कच्चे मकान, तो उनसे हम आश्वासन देते हैं कि हम सरपंच बन जाएंगे, आपका मकान बन जाएगा। क्या जो पात्र लोग हैं, क्या वो आप लोगों से आने की बात नहीं रख रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं? ग्राम सभा हुई अभी 2 अक्टूबर को, ग्राम सभा में सारे हितग्राही और ग्रामीण लोग ग्राम सभा में पहुंचे और ग्राम सभा की सूची को मैंने वाचन किया कि भाई इतने लोगों के नाम हैं और ये नाम आए हैं, तो ग्राम सभा में भी क्या होता है, हितग्राही को समझता नहीं है कि पोर्टल से कैसे रिजेक्ट हो गए, उनको ये लगता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा हमारे नाम को हटा दिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत का इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ना ही सरपंच का है ना सचिव का है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि हम हस्तक्षेप क्यों करेंगे, क्योंकि पंचायत के द्वारा सूची बनाई गई, सर्वे किया गया, सारे पात्र हितग्राही हैं, उनके मकान बनने ही चाहिए, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें ग्राम सभा में जवाब देते नहीं बनता है और बैठकों में हम फेस नहीं, और गांव में हम हितग्राहियों से फेस नहीं कर पाते। क्या क्या आपने समस्या को लेकर CO साहब से अवगत कराए हैं? ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी गए और अवगत भी कराए, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि भैया हमारे द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया, भोपाल से ही पोर्टल से नाम हटा दिए गए जी। ये कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत बिंजावाड़ा जी। आपका नाम? अनिल सनोड़िया। और एक और समस्या थी, शासन से मैं और अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि हमारे गाँव में गाँव की जो सड़कें हैं, जिसमें हम खेत की ओर जाते हैं और दूसरे गांव भी उसमें जुड़ते हैं संपर्क गांव, लेकिन खेतों की सड़क इतनी बदहाल है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा कीचड़ है, काली मिट्टी है। तो मेरा आपके माध्यम से शासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि खेत सड़क मार्ग कम से कम एक वर्ष में एक तो दी जाए एक ग्राम पंचायत को। मैं अपने लिए मांग नहीं कर रहा हूँ, समूचे जिले के लिए प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ। कम से कम खेत भाई, खेत सड़क बनेगी तब तो किसान का विकास हो पाएगा, गांव का विकास हो पाएगा। बिना सड़क के कैसे विकास कर पाएंगे किसान? उनके आवागमन उनके खेत तक नहीं पहुंच पाते, गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, तो उनके खेत से फसल सब्जी, जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, हम कैसे विकास होगा किसान का, गांव का, और गांव कैसे समृद्ध होंगे जब तक खेत सड़क नहीं बन पाएगी, जब तक हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम गांव को समृद्ध बना सकें। कुछ और ऐसी मांगे हैं जिससे कि हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं, हमारा जो स्कूल जो पढ़ता है, तो ये संकुल केंद्र है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल होने के नाते, संकुल केंद्र होने के नाते, पड़ोस के गांव के जो बच्चे हैं इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। क्योंकि कच्चा रास्ता होने के कारण बच्चों को बारिश में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बच्चे पैदल चलकर आते हैं, गाड़ियां नहीं बनती हैं, नाले आ जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत जोखिम से विद्यालय में पहुंचने में परेशानियां होती हैं। तो मेरा शासन से आग्रह है, निवेदन है कि वो जो कच्चे रास्ते हैं उनको डामर करके, डामरीकरण करके उनको पक्का बनाया जाए, जिससे कि हमारे संकुल केंद्र और हमारा विद्यालय में बच्चों को आने जाने में सुविधा प्रदान हो। जी, और पंचायत में क्या क्या समस्या है? पानी बराबर मिल रहा है लोगों को? हमारे यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से 66 लाख की कार्य योजना बनाई गई, जिससे कि उसे PHE विभाग के द्वारा ठेका दिया गया, संबंधित कंपनी को ठेकेदार के द्वारा ग्राम पंचायत में काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टंकी निर्माण का काम लगभग एक वर्ष से चल रहा है, लेकिन चूंकि पूरा नहीं हुआ है, और पाइपलाइन जो बिछाई गई है ग्रामीण में गांव के अंदर, तो गांव के अंदर की जो पाइपलाइन है वो जगह जगह से आप देख सकते हो लीकेज हो रही है, जिससे ग्रामवासियों को बहुत गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। क्या उसमें चैम्बर बनाया गया है, पाइपलाइन जो बिछी हुई है हर नल में? चैम्बर तो लगभग कुछ ही बन पाए हैं, बाकी चैम्बर नहीं बने हैं, और जो पानी सप्लाई के लिए जो बॉलर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो उस लाइनों में नाली के अंदर बना दी गई है, जिसके कारण ग्रामवासियों को गंदा पानी, दूषित पानी पीने में मजबूर होना पड़ रहा है। तो वो भी PHE विभाग के द्वारा सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करना और ठेकेदार की अपनी मनमानी तरीके से काम करना, इसके कारण ये सब परेशानियों का सामना पंचायत को करना पड़ता है। NBC न्यूज़ के लिए चोरी से राजेश उइके की रिपोर्ट। मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ जरूर आइए। डैम वैली और जंगल से घिरा सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर स्कूल फैमिली और ऑफिस पिकनिक के साथ ही शादी, बर्थडे और नाइट पिकनिक के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। मुंबई गोवा वाली बोटिंग अब शिव तीर्थ में, साथ ही न्यूली अपडेटेड आदिशक्ति वाटर पार्क, मोगली एडवेंचर पार्क, मर्मेड बोटिंग पार्क, बाली राजा एग्रो पार्क। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो भूलना जाना शिव तीर्थ आना।